दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज एक बेहद ही बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हमारे बीच एक मशहूर शायर युवाओं के दिलों पर राज करने वाले राहत इंदौरी साहब का आज निधन हो गया। दोस्तों बेहद ही बुरी खबर है। ये जो न्यूज है मैंने ही पढ़ी और जैसे ही दोस्तों मैंने न्यूज पढ़ी तो भाई मेरा जो दिल है एकदम टूट चुका, क्योंकि भाई आप सभी जानते हैं जो राहत इंदौरी साहब हैं उनकी जो शायरी थी वो दिलों को छू जाती थी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई उनकी शायरी को पसंद करता था। आपने उनकी एक मशहूर शायरी तो सुनी होगी जो टिकटॉक पर काफ़ी वायरल हुई थी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये जो शायरी थी जो आपने टिकटॉक पर वाकई सुनी होगी, ये जो शब्द थे ये राहत इंदौरी साहब के ही थे। उनकी शायरी से जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सीख ले रही थी और वो इतने अधिक उम्र में भी हमारे जो युवा साथी हैं उनका दिल जीत रहे थे। लेकिन अचानक आज एक ऐसी न्यूज आई जिससे सारा हिंदुस्तान हिल गया। और दोस्तों ये बहुत ही बुरी खबर है। हम सभी मिलकर राहत इंदौरी साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और यहाँ पर राहत इंदौरी साहब की आत्मा को जल्द से जल्द शांति मिले यही दिल से दुआ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो राहत इंदौरी साहब थे वो कोरोना से भी पॉजिटिव थे, उनकी रिपोर्ट यहाँ पर पॉजिटिव आई थी। उन्होंने अपने अकाउंट पर उन्होंने बताया था, इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया था, ट्विटर पर बताया था कि मैं कोरोना से संक्रमित हूँ। उन्होंने ये खुद लिखकर जाहिर किया था और आज 11 अगस्त 2020 को राहत इंदौरी साहब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में भर्ती थे राहत इंदौरी साहब और आज हमारे बीच नहीं रहे। तो दोस्तों बेहद ही बुरा दिन है आज का और बेहद ही बुरा टाइम भी चल रहा है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। और इसी बीच एक बुरा टाइम और बुरा वक्त यहाँ पर निकल कर आया है। आज शाम 4 बजे जो राहत इंदौरी साहब थे वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। तो दोस्तों यही वीडियो था। आप भी राहत इंदौरी साहब जी के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन जरूर कीजिएगा। तो बस इतना ही कहूँगा कि उनकी जो बातें थीं वो युवा पीढ़ी के लिए हमेशा याद रखेंगी। उन्होंने जो शब्द दिए थे युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा उनके दिल में रहेंगे, हमेशा उनके जहाँ में रहेंगे। और राहत इंदौरी साहब को हर दिल, हर वक्त, हर इंसान याद रखेगा कि हाँ उनके जो शब्द थे दिल छू जाते थे। उनकी जो बातें थी दोस्तों वाकई सत्य थी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये वाकई दोस्तों सत्य बात है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसे ही कंडीशन में हैं तो निकल जाइए, टाइम है अभी आपके पास, वरना बाद में रोना ही पड़ेगा। क्योंकि अब बाबू सोना और बाद में रोना, ये तो दोस्तों सभी को पता है कि बस अपने दिल को खुश रखिए और अपने माँ बाप का नाम इस दुनिया में रोशन कीजिए, इससे ज़्यादा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब धोखा है सब। बस इतना ही कहूँगा कि किसी के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए, जो आपका दिल कहता है उसे कीजिए और गलत रास्ते पर जाने से बचिए। ये दोस्तों मेरे सब थे। अगर आपको कुछ हमारी बातों में बुरा लगा है तो माफ़ कर दीजिएगा, अगर कुछ अच्छा लगा है, कुछ सीख मिली है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इतना ही कहूँगा, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।